आपके साथ। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। IMA की पहल पर पूरे देश के डॉक्टर्स हड़ताल पर है। इसका असर झारखंड के भी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों पर भी पड़ रहा है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में सुबह से ही डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन जारी था। यहां एक दिन के लिए OPD वार्ड के दूसरी किसी पैथोलॉजिकल सेवाएं बंद की गई, हालांकि इमरजेंसी सेवा चालू थी। पूरे राज्य भर से करीब 17,000 डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इनकी मांग है कि केंद्र सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाए। डॉक्टरों के इस प्रदर्शन का कई मेडिकल संस्थानों ने समर्थन दिया है। इनमें झारखंड IMA, रिम्स JDA, झांसा IMA की महिला विंग, RDACIP, HHPI, IAP, IDA, IAP, झारखंड पारा चिकित्सक संघ सहित राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों समेत कई प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर शामिल हैं। इस आंदोलन को समर्थन दे रहे रांची चैप्टर के सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह ने कहा कि इस बार राज्य भर में 17,000 से अधिक डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस आंदोलन का पारा मेडिकल स्टाफ से लेकर ANM, GNM, नर्स सहित फिजियोथेरेपी एसोसिएशन को मिलाकर करीब 25,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का समर्थन है। प्रोटेस्ट के दौरान IMA रांची के वाइस प्रेसिडेंट अभिषेक रामाधीन ने बंगाल सरकार पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार ने पहले CBI जांच की, अनुशंसा की, फिर गुंडों से अस्पताल को तोड़वा दिया, प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर हमला किया। केंद्र सरकार को बंगाल सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। राज्य चलाना उनके वश की बात नहीं है। बंगाल की हालत बांग्लादेश से बदतर कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर सुरक्षित होंगे तभी मरीज भी सुरक्षित होंगे। एक डॉक्टर पूरी जिंदगी लगाता है पढ़ाई करने और मरीज की सेवा के लिए। कभी कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि वह प्रोटेस्ट करे या मरीज को किसी तरह की असुविधा हो। आज पूरे देश में जैसी स्थिति है, हम आखिर क्या करें? कोरोना के दौरान पूरा अस्पताल प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया था। आज राज्य और केंद्र सरकार को डॉक्टर और दूसरे स्टाफ के लिए उसी तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।